नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं गत सप्ताह की कृषि से जुड़ी बड़ी खबरों पर। राजस्थान सरकार भूमिगत जल की कमी को मद्देनजर रखते हुए अपनी बजट घोषणा के अनुसार किसानों को बूंद बूंद सिंचाई के लिए स्प्रिंकलर इरिगेशन पाइपलाइन ड्रिप मिनी स्प्रिंकलर पर 50% अनुदान प्रदान कर रही है। इन दिनों प्रदेश में पिछले एक सप्ताह से बादल छाए हुए हैं। कृषि विज्ञानियों के अनुसार इस प्रकार का मौसम खरीफ की फसल के लिए चिंताजनक है। इससे तापमान में असंतुलन, धूप न मिलने, वर्षा की कमी, इन सभी कारकों से फसल में कीट एवं व्याधियों का खतरा बढ़ सकता है। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड और राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स ने लिक्विड नैनो यूरिया के उत्पादन के लिए तकनीकी हस्तांतरण के विषय को लेकर सहकारिता समिति इफको यानी कि इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं। अब इफको को बिना किसी रॉयल्टी के लिक्विड नैनो यूरिया उत्पादन तकनीकी प्राप्त होगी। झारखंड सरकार ने किसानों को आधुनिक खेती से जोड़ने के लिए कृषि पाठशालाओं का शुभारम्भ किया है, जहाँ पर किसानों को उन्नत कृषि क्रियाओं, बीज उपचार, जीरो बजट फार्मिंग से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है। अगले एक वर्ष में ऐसी 100 पाठशालाओं को धरातल पर संचालित करने का खाका तैयार किया है। साथ ही सौर ऊर्जा से संचालित होने वाले कोल्ड स्टोर भी बनाए जाएंगे। हिमाचल सरकार पंचायत की जमीन पर फलदार वृक्षों के गार्डन लगाएगी। इससे प्राप्त होने वाली आय को प्रदेश के विकास कार्यों में खर्च किया जाएगा। मध्य प्रदेश में किसानों ने इस वर्ष 6,85,000 हेक्टेयर में मूंग की खेती करके 12,16 मीट्रिक टन मूंग का उत्पादन किया है। सरकार की मंशा है कि किसानों को उनका उचित प्राथमिक प्राप्त हो, इसके लिए सरकार MSP पर मूंग को खरीद रही है। भारत ने चीनी उत्पादन के विषय को लेकर ब्राजील के साथ एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। इस तरह का समझौता भारत और ब्राजील के मध्य पहली बार हुआ है। जानकारों के माने तो ब्राजील ने कम गन्ना उत्पादन के चलते सप्लाई एंड डिमांड का संतुलन बनाए रखने के लिए इस प्रकार का कदम उठाया। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन ने किसानों को 100% जैविक खेती करने की सलाह दी। राज्यपाल ने कहा कि किसान मृदा परीक्षण के अनुसार मृदा में आवश्यक पोषक तत्व लेकर खेती करेंगे तो किसानों की आय में वृद्धि होगी। राज्यपाल ने किसानों को परंपरागत खेती को छोड़कर प्रयोग आधारित आधुनिक खेती करने की सलाह दी। केंद्रीय कृषि कानूनों के विरुद्ध किसानों का प्रदर्शन जारी। दिल्ली की केजरीवाल सरकार लगातार किसानों की मांग का कर रही है समर्थन। दिल्ली विधानसभा में संख्या बल के आधार पर इन कानूनों को वापस करने का प्रस्ताव हुआ पारित। भारत सरकार की मंशा है कि 2022 तक किसानों की आय को दोगुना किया जाए। इसी क्रम में सरकार निरंतर जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। जोधपुर जिले के कृषि पर्यवेक्षक सर्कल केतुकला के जवाहर नगर के किसान राजू सिंह ने जैविक खेती का बेहतर उदाहरण प्रस्तुत किया है। साथ ही जैविक खेती से अपने उत्पादन में भी वृद्धि की है। किसान राजू सिंह क्षेत्र के किसानों के लिए जैविक खेती राजू सिंह जवाहर नगर जो कि ये मैं खेती रासायनिक खेती बंद कर दी है और जैविक खेती कर रहा हूँ 3 साल से, और फसल भी अच्छी होती है और उत्पादन भी अच्छा होता है। किसान राजू सिंह को क्षेत्र के प्रगतिशील किसानों की श्रेणी में चयनित किया गया है। आपको बता दें कि जिस किसान के पास खेती करने के लिए सभी प्रकार के संसाधन उपलब्ध हो, उसे प्रगतिशील किसान की संज्ञा दी गई है। जैविक खेती से पर्यावरण स्वस्थ रहता है। वनस्पति और जीव जंतुओं को बेहतर जीवन यापन के लिए जैविक खेती की आवश्यकता है। वहीं उत्पादन लागत में कमी के साथ उत्पादन में वृद्धि होती है, भूमि की उत्पादन क्षमता में इजाफा होता है और भूमि के जल धारण करने की क्षमता में विस्तार होता है, रसायनों पर निर्भरता कम होती है, घरेलू उत्पादों की मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ने की वजह से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है।